मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि इको टूरिज्म को लेकर सिर्फ 36 जिलों या 9 सेक्टर में सीमित ना रहें, हर जिले में संभावनाएं तलाशें। खासकर पीलीभीत जिले के चूका, उन्नाव के नवाबगंज, पश्चिम बिहार, आगरा के सुर सरोवर, पश्चिम बिहार, सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों, महाराजगंज के सोहरी बरवा और संत कबीर नगर के बखीरा में सभी संभावनाओं को देखें। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में पेट्रोल पंप स्थापित करने के बाबत नीति बनाने और वन विभाग को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के भी निर्देश दिए। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वन्य जीव बोर्ड इको टूरिज्म की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें, इसका उपयोग राज्य हित में है। उन्होंने निर्देश दिए कि वन्य क्षेत्रों के पास पड़ने वाली आबादी के इच्छुक युवाओं को गाइड का प्रशिक्षण दें, इससे स्थानीय स्तर पर गाइड मिलेंगे, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसमें स्थानीय स्तर पर गाइड मिलेंगे, इसका उपयोग राज्य हित में है। उन्होंने निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों के पास पड़ने वाले आबादी के इच्छुक युवाओं को गाइड का प्रशिक्षण दें, इससे स्थानीय स्तर पर गाइड मिलेंगे, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। वहीं लोग वन्य जीवों की रक्षा भी करेंगे, इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करें। पर्यटन विभाग और क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लें सीएम। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बोर्ड ने उन सभी संभावनाओं के प्रति अपनी रुचि दिखाई है जो राज्य के अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के साथ पर्यटन विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा सकता है। जितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य वन्य जीव बोर्ड के साथ पर्यटन विभाग और इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लें। जब किसी कार्यक्रम से लोग जुड़ते हैं तो इसकी सफलता और लोकप्रियता भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद वन विभाग ने 25 करोड़ पौधरोपण किए, इसमें सभी विभागों ने अपना योगदान दिया। पिछले साल करीब 23.5 करोड़ और उससे पहले 11 करोड़ पौधरोपण हुआ। 2017 में 5 करोड़ पौधरोपण हुआ। ये प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत बड़ा अभियान है। हम धरती को जितना वनों से आच्छादित करेंगे, इस सृष्टि के लिए भी उतना ही अनुकूल होगा। इसमें केवल मनुष्य नहीं, सभी का कल्याण है। हम इस बात को ध्यान में रखें कि वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण की दिशा में बहुत प्रभावी रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन महोत्सव में वन्य जीव बोर्ड के सभी सदस्यों की सहभागिता के लिए अनिवार्य रूप से स्थानीय और राज्य स्तर के सभी कार्यों में सहभागी बनाएं, उनका सहयोग लें और उनका सुझाव लें। उन्होंने निर्देश दिए कि समय समय पर ऐसे पोर्टल विकसित करें जिस पर ऑनलाइन अपनी बातों को, सुझाव को वो आपको दे सकें। जितनी अधिक जानकारी आएगी उतना ही रोचक और उपयोगी होगा। वन विभाग को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के बारे में कार्य करना चाहिए, हमें इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे लिए वन आच्छादन को आगे बढ़ाने, वन्य जीवों के संरक्षण के साथ मनुष्य और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष की जो स्थिति आ जाती है उससे बचाव में भी काफी कारगर होगा।
देखिए पर्यटन विभाग के साथ आप लोगों ने कोई इसके साथ पर्यटन विभाग के साथ बैठ करके या इस जो क्षेत्र में काम करने वाले जो अन्य संस्थाएं हैं इनके साथ कोई आप लोगों का समन्वय है या नहीं है? मनोहर हमने किया है, एक उगड़ा संस्था है उसके साथ एमओयू किया गया है मनोहर, उसमें होम आइडेंटिटी होम स्टे में उनका आइडेंटिफिकेशन। देखो इको टूरिज्म का आपके लिए प्रदेश के अंदर हर जनपद में कुछ न कुछ संभावनाएं हैं सर, हर जनपद में है। हम केवल 36 जनपद में या फिर 8 उन क्षेत्रों में ही सीमित न रहें, बल्कि उन सभी संभावनाओं को हमें टटोलना चाहिए जो हर जनपद में कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में है, और जहां नहीं वहां हम क्रिएट करें ना, ये तो काम है विभाग का। तो इसको एक बार विचार करना चाहिए और पर्यटन विभाग के साथ बैठ करके कैसे हम इको टूरिज्म को आगे प्रमोट कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा जिस तरीके से आपके नेतृत्व में आपके सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सारे क्षेत्रों में, चाहे वृक्षारोपण का सवाल हो, वन्यजीव बोर्ड के संरक्षण का सवाल हो, इको टूरिज्म के क्षेत्र में जो हमने ऐतिहासिक काम किया है, अभी जिस रेस्क्यू की बात हमारे सदस्य कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में 5 रेस्क्यू सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, उस पर काफी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से तमाम सारी विकास की योजनाएं लंबित थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि विकास की जो धारा है वो रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी बैठक बुलाएगी। इसके लिए अगर आप लोगों को कोई तकलीफ होगी तो मैं क्षमा चाहता हूं अपनी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। टूरिज्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपका संरक्षण आपको हमेशा मिलता रहा है, और आपके नेतृत्व में जो आपने भी जो 8 हमने जोन बनाए हैं, सेक्टर बनाए हैं, आपके ही निर्देश पर हमने जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के नाम पर जो है पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को जोड़ने का काम किया, क्योंकि हर जनपद में कुछ न कुछ इको का काम हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मेरा राज्य आपका सानिध्य भी चाहिए कि आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म एक समिट आपके निर्देश के बाद हम लोग तैयारी करेंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं माननीय महाराज जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज से राज्य वन्यजीव बोर्ड की 11वीं बैठक में मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए, जिस तरीके से आपका हमेशा सानिध्य मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से वन विभाग के लोग इको टूरिज्म के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं, महाराज जी आपने जो सोचा है, जो आपका सपना है, विजयपुर का फांसी पार्क जहां दुनिया में बहुत कम मिलता है, ऐसा दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, पीली भीड़, चूका, जाने पे लगता हम पोर्ट ब्लेयर के बीच में खड़े हुए हैं, इस तरीके का जो अभी बहुत सारे हाथी की संख्या बढ़ा है, टाइगर की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब कि वन विभाग ने आपके नेतृत्व में, आपके निर्देश में 3.5 साल के पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने के नाते ही आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। चाहे WWF और UNDF की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को सम्मानित करने का काम किया है और नए हमेशा कीर्तिमान हासिल का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आज राज्य वन्यजीव बोर्ड की 11वीं बैठक में माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाकी हम लोग सारा जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसे ही काम करते रहेंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश एक देश का पहला वो प्रदेश बनेगा जो राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लेगा जो एक निशान मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। राज्य वन्यजीव बोर्ड की आज की इस बैठक में उपस्थित मेरे सहयोगी वन मंत्री सितारा सिंह चौहान जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत सभी हमारे अधिकारीगण, वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए राज्य वन्य जीव बोर्ड से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यगण, एक बहुत शॉर्ट नोटिस में आज की बैठक आयोजित हुई और मैं देख रहा हूं कि आप में से ज्यादातर मान्य सदस्य रुचि के साथ इस बैठक में भाग लिए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।
राज्य वन्य जीव बोर्ड ने प्रदेश में उन सभी संभावनाओं के प्रति अपनी रुचि दिखाई है जो राज्य के अंदर वन्य जीवों के संरक्षण के साथ ही पर्यटन की विकास की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ा सकता है। और इस संबंध में जो प्रस्ताव मेरे सामने आए हैं ये प्रस्ताव अपने आप में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमें से हर व्यक्ति प्रकृति के इन अनमोल रत्नों के बारे में न केवल रुचि रखता है बल्कि इनके संरक्षण के बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित है। जितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य वन्य जीव बोर्ड के सभी मान्य सदस्यों के साथ ही हमें पर्यटन विभाग और इस फील्ड में कार्यरत अन्य सभी संस्थाओं का सहयोग भी लेना चाहिए क्योंकि जब कोई कार्यक्रम केवल सरकारी आयोजन होता है उतना प्रभावी नहीं होता। जन सहभागिता किसी कार्यक्रम के साथ जब जुड़ता है तो उस कार्यक्रम की सफलता और उसकी लोकप्रियता भी उसके साथ उतनी ही ज्यादा मात्रा में जुड़ती हुई दिखाई देती है। जो कुछ प्रस्ताव आए हैं सूर सरोवर के बारे में या फिर शिवालिक पहाड़ियों के बारे में या वन महोत्सव में वन्य जीव बोर्ड के सभी सदस्यों की सहभागिता उस अवसर पर करने के लिए कार्यक्रमों को हम एक औपचारिकता ना बनाए उसे एक यादगार इवेंट के रूप में प्रस्तुत करें। और वन विभाग को मैं खासतौर पर इस बात के लिए बधाई दूंगा कि 25 करोड़ वृक्षारोपण कोविड-19 के बावजूद इस वर्ष किए उनके संरक्षण की चिंता हमें करनी होगी। अकेले वन विभाग नहीं कर सकता था सभी विभागों ने मिलकर के अपना योगदान दिया तो पिछले 4 वर्ष के दौरान हमने 25 करोड़ वृक्षारोपण इस वर्ष किए विगत वर्ष लगभग 23-23.5 करोड़ के आसपास वृक्षारोपण हुआ था उससे पहले 11 करोड़ वृक्षारोपण हुआ और 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने संपन्न किया। ये प्रकृति संरक्षण के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अभियान है ये और हम वनों से आच्छादित धरती को करेंगे तो जीव सृष्टि के लिए भी ये उतना ही अनुकूल होगा। जीव सृष्टि में केवल मनुष्य नहीं आता है हर प्राणी हर पक्षी हर जीव जंतु उसके अंदर आता है और हम इस बात को ध्यान में रखें कि उसकी सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में हमें बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा कार्य हुआ है लेकिन इसको और भी अच्छे ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। खासतौर पर जो बातें सामने आई हैं चूका की उन्नाव पक्षी विहार की सूर सरोवर की शिवालिक पहाड़ियों की बखेरा और सोगी बरगा बरुआ की इन सभी संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। वन विभाग के कार्य को थोड़ा इस बात को देखें एक तो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के बारे में हमें इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे लिए वन आच्छादन को आगे बढ़ाने के साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ मनुष्य और वन्य जीवों के बीच में जो कभी कभी संघर्ष की स्थिति आती है उससे बचाव में भी टेक्नोलॉजी काफी बड़ी मदद कर सकती है। हम कैसे इस कार्य को करें इसके बारे में विचार करें।
दूसरा जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों से आए हैं अभी भी, अनिवार्य रूप से हर आयोजन के साथ हम प्रयास करें कि वन्य जीव के माननीय सदस्यों को भी स्थानीय स्तर के उन सभी कार्यक्रमों में और राज्य स्तर से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों में सहभागी बनाएं, उनका सहयोग लें, उनका सुझाव लें। समय समय में कुछ ऐसे पोर्टल हम विकसित करें जहां पे वे ऑनलाइन अपनी बातों को भी, अपने सुझाव को भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि फील्ड में उनका भी एक अपना अनुभव है, आप लोगों का भी फील्ड का अपना एक अनुभव है। जितना अधिक जानकारी हमारे पास आ पाएगी उतना ही रोचक होगा और उपयोगी भी होगा। मैं आज की इस बैठक में एक बहुत शॉर्ट नोटिस में इस बैठक को आयोजित करने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्य वन्य जीव बोर्ड निरंतर इस दिशा में न केवल प्रदेश के अंदर वन्य जीवों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा, अभी तो प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जो प्रदेश के अंदर व्यापक संभावनाएं हैं और जिसका भी हम लोगों ने कोई भी उपयोग राज्य के हित में या फिर वन्य क्षेत्रों के पास पड़ने वाली आबादी के प्रशिक्षण की दृष्टि जिसे हमें उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अपने आप में गाइड मिल सकते हैं वे आपको, उनको गाइड के रूप में आप प्रशिक्षित करिए, वही लोग उन जीवों की रक्षा भी कर लेंगे, आवश्यकता उन्हें प्रशिक्षित करने की, उसके साथ जोड़ने की एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। मैं एक बार फिर से आप सबको आज की इस बैठक में भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग राज्य वन्य जीव बोर्ड के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में न केवल वन्य जीवों के बारे में बल्कि इको टूरिज्म की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी हम बहुत तेजी के साथ प्रगति कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।